जय हिंद दोस्तों। अभी रिसेंटली हमारे देश की नेवी यानी इंडियन नेवी के फ्लैग में कुछ चेंजेज किए गए हैं, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन तो यही उठता है कि एक झंडा या एक फ्लैग को कोई भी देश या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट क्यों करते हैं। तो एक झंडा मात्र एक कपड़े का टुकड़ा या उस पर की गई कोई आर्ट मात्र ही नहीं होता है, बल्कि यह उस देश को, उस राष्ट्र को, वहाँ के लोगों को या अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हर देश का, हर धर्म का अपना एक यूनिक फ्लैग होता है। और अगर मॉडर्न सेंस में हम बात करें तो जितनी भी कंपनीज हैं उनके लोगो होते हैं। तो चलिए हम वापस से अपने इंडियन नेवी के फ्लैग में हुए चेंजेज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में विचार आ रहा होगा कि क्या फ्लैग को चेंज किया जा सकता है, तो इसका जवाब है हाँ, एक फ्लैग को चेंज किया जा सकता है। और इंडियन नेवी के नए झंडे को हरी झंडी दिखाई है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, और यह सेरेमनी केरला के कोच्चि शहर में हुई है। और इंडियन नेवी के फ्लैग को कोई पहली बार चेंज नहीं किया जा रहा है, इसको पहले भी कई बार चेंज किया जा चुका है। तो चलिए चीज़ों को सीक्वेंस में समझते हैं और देखते हैं कि किस समय पे क्या चेंजेज हुए और अभी रिसेंटली जो नया फ्लैग अडॉप्ट किया गया है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं और उनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले अगर हम प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करें यानी आज़ादी से पहले की बात करें, तो इंडियन नेवी का जो फ्लैग था वो वाइट कलर का फ्लैग था जिसमें रेड क्रॉस था और उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यूनाइटेड किंगडम का झंडा यानी यूनियन जैक हुआ करता था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को यानी जो हमारा रिपब्लिक डे था उस पर इंडियन नेवी के फ्लैग में से यूनियन जैक यानी कि इंग्लैंड के झंडे को हटाकर भारत का तिरंगा यानी इंडियन ट्राइकलर को अडॉप्ट किया गया। उसके बाद यही फ्लैग जो 1950 में अडॉप्ट किया गया था 2001 तक चलता रहा, लेकिन 2001 में जो रेड क्रॉस था इसको रिप्लेस कर दिया गया नेवल क्रेस्ट से, क्योंकि बार बार शिकायतें आ रही थी कि नेवल क्रेस्ट का कलर ब्लू है और इसकी वजह से इसका कलर आसमान से और पानी से मैच करता है, इसलिए इसको हटाया जाना चाहिए। तो 2004 में नेवल क्रेस्ट को हटा दिया गया और नेवल क्रेस्ट की जगह पे फिर से रेड क्रॉस आ गया और रेड क्रॉस के मिडल में अब की बार अशोक स्तंभ जो इंडिया का नेशनल एम्बलम है उसको भी अडॉप्ट किया गया। उसके बाद 2014 में चेंजेस होते हैं, जो अशोक स्तंभ 2004 में अडॉप्ट किया गया था उसके नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया। सत्यमेव जयते हमारे देश का राष्ट्रीय नारा है, लेकिन रेड क्रॉस 2014 में भी मौजूद था जिसको अभी 2022 में आकर हटाया गया है और उसकी जगह पर जो अशोक स्तंभ है उसको एक ऑक्टागोनल आकृति में दर्शाया गया है और उसके नीचे इंडियन नेवी का जो मोटो है सम नो वरुणा, जो संस्कृत भाषा में है, उसको भी लिखा गया है। इंडियन नेवी के मोटो का मतलब है कि हे समुद्र के देवता हम पर कृपा करो। और जो ऑक्टागोनल आकृति है उसमें 8 भुजाएं हैं, वो 8 भुजाएं अलग अलग 8 डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं। अब लास्ट में पॉइंट आता है कि हमने इंडियन नेवी के फ्लैग में से रेड क्रॉस को क्यों हटाया है। तो यह रेड क्रॉस जिसको जॉर्ज सेंट रेड क्रॉस भी कहा जाता है या कहीं ना कहीं गुलामी का प्रतीक था, और एक गुलामी के प्रतीक को हटाना एक अच्छी बात होती है, तो यह इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन नेवी का एक पॉजिटिव स्टेप है। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो से कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी मिली होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।